हेलो फ्रेंड, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में इतिहास, खासकर प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ खास और महत्वपूर्ण टॉपिक को जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, पहला टॉपिक जो कि प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में आप डिटेल में यानी विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा जो मगध राज के उत्कर्ष के बारे में कुछ खास और महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे। तो बिंदुवार मगध राज के उत्कर्ष के बारे में देखिए, कैसे मगध राज्य का जो उत्कर्ष हुआ। अब देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन जरूर दबाएं और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्राचीन भारत पर, ठीक है, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया? तो देखिए, ईरान के हकामनी, यानी इसे दोस्तों हरवामनी भी कहा जाता है। कई जगह जो इतिहासकार लिखते हैं हर वामनी, ठीक है, तो हकमनी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो हकमनी वंश के राजाओं ने जो है प्रथम विदेशी आक्रमण किया था भारत पर, ठीक है। तो देखिए, ये प्राचीन समय का है। और देखिए, समय जो था लगभग अगर देखा जाए तो 558 से 563 ईस्वी के आसपास का समय है। देखिए, इस वंश के संस्थापक थे कुरुस। तो हरवामनी या हकमनी वंश के संस्थापक कुरुस थे, जिनका समय 558 से 530 ईस्वी पूर्व था, कि सेना जो है भारत के समीप तक पहुंच गई थी। हालांकि इसने आक्रमण नहीं किया था। कुरुस के उत्तराधिकारियों में प्रमुख थे दारयहो, जिनका समय था 522 से 480 ईस्वी पूर्व, जिसे भारत पर आक्रमण करने का प्रथम सफलता पाई थी। तो देखिए दोस्तों, भारत की सीमा तक जो है पहुंच चुके थे कुरुसी। देखिए, उस समय के जो यूनानी लेखक थे जैसे कि हेरोडोटस, एरियन एवं स्ट्रैबो, इनके अनुसार जो है कुरुस ने जेड्रोसिया, जिसे मकरान कहा जाता है, के रेगिस्तानी रास्ते से होता हुआ जो है भारत पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया था, लेकिन सफलता जो मिला था वे हैं दारयहो, ठीक है। अब देखिए, दारयहो के पुत्र खसियार्स, जिसे जक्सिर्स भी कहते हैं, जिनका समय था 486 ईस्वी पूर्व से 465 ईस्वी, ने जीते गए भारतीय प्रदेशों पर जो है अधिकार को बनाए रखा। इसके उत्तराधिकारी जो है दारयहो तृतीय के सिकंदर द्वारा पराजित कर दिए जाने पर भारत पर से ईरानी अधिकार जो है समाप्त हो गया। तो देखिए, कैसे हुआ है ये सारा बात, इसे जानना ही बहुत जरूरी है। देखिए, जैसे सबसे पहले जो कि प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ वो ईरान के हकमनी वंश के राजाओं द्वारा किया गया, जो कि जिसके संस्थापक कुरुस थे। कुरुस के पुत्र दारयहो हैं जिन्होंने जो है भारत पर सफल आक्रमण किया। उसके बाद उनके पुत्र ने जो है इस क्षेत्र को बनाए रखा, लेकिन सिकंदर ने जो है इनसे वो क्षेत्र छीन लिया और ईरानी अधिकार जो समाप्त हो गया। हेरोडोटस के अनुसार दारयहो का जो है भारतीय भूभाग के जीतने के बाद जो है यह क्षेत्र जो है फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बना था। देखिए, भारत का उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत लगभग 200 वर्षों तक जो है ईरानी व पारसी का अधिकार क्षेत्र में रहा, ठीक है। तो देखिए, 200 वर्षों तक जो है ईरानी व पारसी अधिकार क्षेत्र में रहा ये उत्तरी, खासकर ये भारत का उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत था। यहीं से जो है बार बार विदेशी आक्रमण होते रहे हैं भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से। देखिए, यहीं पर पहली बार भारतवासी किसी विदेशी संस्कृति के संपर्क में आए, और इस संपर्क के बाद ही जो है भारत का अन्य सुदूर पश्चिमी एशियाई एवं मध्य एशियाई देशों से घनिष्ठ संबंध स्थापित हो सका, एवं इस संपर्क के परिणाम स्वरूप ही पहली बार भारतीय सेनाओं को यूरोपीय सेनाओं का सामना तथा भारतीय दार्शनिकों को यूरोपीय दार्शनिकों से संपर्क स्थापित करने का जो है मौका मिला। नेक्स्ट पॉइंट है कि ईरानी व फारसी रजत मुद्रा, जिसको सिगलोई कहा जाता है, के आधार पर भारत में सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन का कार्य प्रारंभ हुआ। यानी कि ईरानी या फारसी जो रजत मुद्रा है, उसी के आधार पर जो है भारत में सबसे पहले जो है मुद्रा प्रचलन का जो है शुरुआत हुआ है। अब देखिए, नेक्स्ट है कि मौर्य सम्राट अशोक के समय में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में प्रयुक्त खरोष्ठी लिपि के स्रोत के रूप में पारसिक अरामाइक लिपि को ही माना जाता है। अगर ईरानी व पारसिक आक्रमणों के परिणाम की बात की जाए तो भारतीय राजाओं में साम्राज्यवादी विचारधारा की भावना प्रबल हुई। पारसिक क्षत्रप
प्रणाली का प्रयोग शक तथा कुषाण शासकों ने किया है। पारसिक राजाओं ने महाराजाधिराज, परम दैवत, परम भागवत जैसी उपाधियां ग्रहण की है। मौर्य काल में दंड के रूप में सर घुटवाने की प्रथा, स्त्री शरीर रक्षकों की नियुक्ति, मंत्रियों के कक्ष में हर समय अग्नि के प्रज्वलित रहने आदि की व्यवस्था पारसिकों से ही ग्रहण की गई थी। अब यहां से बात करेंगे यूनानी आक्रमण, यानी कि ईरानी और पारसी का आक्रमण के बाद जो है यूनानी आक्रमण हुआ, जो कि सिकंदर के द्वारा किया गया था। देखिए, ईरानी आक्रमण के बाद जो है भारत को यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर का सामना करना पड़ा, जो कि विश्व विजेता था। अब देखिए, सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। भारत के विजय अभियान के तहत सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में बल्ख, यानी जिसको बैक्टीरिया के नाम जाना जाता है, को जीतने के बाद काबुल होते हुए हिंदू कुश पर्वत को पार किया था। तक्षशिला के शासक आम्भी ने सिकंदर के सामने घुटना टेकते हुए पूर्ण सहयोग का वचन दिया था। विजय अभियान के अंतर्गत जो है, जब सिकंदर व्यास नदी के पश्चिमी किनारे पर, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे कि व्यास नदी के पश्चिमी किनारे पर पहुंचा, तो उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा और कहानी बताऊंगा सिकंदर और पोरस के युद्ध के बारे में, जो कि डिटेल में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे ध्यान सुनेंगे ताकि आपको इतिहास में, खासकर सिकंदर के साथ जो पोरस का युद्ध हुआ, उसके बारे में डिटेल में पता चल पाए। दोस्तों, जब आम्भी और शशि गुप्त ने सिकंदर की सहायता का वचन दिया, जिससे उसे बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला, आगे इसलिए वो आगे भी बढ़ा। और आगे जब वो बढ़ रहा था, तो उस समय यानी जो झेलम और चिनाब नदियों के बीच में जो पुरु का राज था, जिसे जिसके राजा पोरस हुआ करते थे, उनसे उनका मतलब युद्ध हुआ और बहुत ऐतिहासिक युद्ध हुआ। ठीक है, देखिए, भारत की धरती पर सिकंदर का प्रबल प्रतिरोध जो है पोरस के राजा जो है पौरव या पुरु के राजा जो है पोरस ने ही किया था। पोरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी के किनारे सुप्रसिद्ध बितस्ता का युद्ध हुआ, जिसे हेडस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें पोरस की हार हुई, पर सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर उससे दोस्ती कर ली। पोरस के बाद सिकंदर ने ग्लॉक निकाय एवं कठ जातियों को हराया। जब सिकंदर की सैनिकों ने जब आगे बढ़ने से मना कर दिया, तो इस घटना के पश्चात सिकंदर ने अपने विजय अभियान को रोककर विजित भारतीय प्रदेश को जो है सेनापति फिलिप को सौंप कर वापस लौट गया। करीब 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की जो है मृत्यु हो गई, यानी निधन हो गया। देखिए, यूनानियों के आक्रमण से भी भारत पर प्रभाव पड़ा है। तो कहा जाता है कि भारत हमेशा से जो है विदेशी आक्रमणकारी, खासकर विदेशों के जो भी रहने वाले, उनसे जो कुछ ना कुछ जो है अच्छाई जो है ग्रहण कर लेता है। इसी क्रम में भारतीयों ने जो है यूनानियों से जो सीखा है कि उनसे छत्र प्रणाली, मुद्रा निर्माण की कला को जो है ग्रहण किया। भारत में गंधार शैली की कला, जिसका विकास ईसवी पूर्व द्वितीय शताब्दी में हुआ, यूनानियों का ही प्रभाव का जो है परिणाम है। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा था। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप ही भारत का पश्चिमी देशों से जलीय तथा थलीय संपर्क स्थापित हो सका था। संभवतः सिकंदर ने अपने भारतीय विजित प्रांतों के प्रशासन के लिए फिलिप को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। दोस्तों, देखिए, यूनानी आक्रमण का भारतीय राजनीति पर पड़ने वाला प्रभाव भी कुछ कम नहीं था, और सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में एकता के लक्षण दिखे। जो छोटे बड़े राज्य सिकंदर के आक्रमण के समय आपस में संघर्षरत थे, उनमें अब एक सूत्र में बंधने के लक्षण दिखने लगे। फलस्वरूप भारत में एकीकरण की प्रक्रिया को जो है बल मिला। सिकंदर के आक्रमण के उपरांत ही भारत में साम्राज्यवादी प्रक्रिया का विकास हुआ, जिसका तत्कालीन उदाहरण जो है मौर्य सम्राट था, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। सांस्कृतिक प्रभाव के अंतर्गत जो है आक्रमण के कारण ही जो है पूर्व पश्चिम के बीच सदियों
की खड़ी जो है दीवार ढह सकी एवं उन्हें जो है एक दूसरे के नजदीक आने का जो है अवसर मिला। सिकंदर के भारतीय अभियान के बाद ही भारत तथा पश्चिमी देशों के बीच चार स्थल एवं चार जल मार्ग का पता चला, जिनका कालांतर में व्यापार पर जो है अनुकूल असर भी पड़ा। देखिए कुषाण शासक जो कि जिनका नाम कनिष्क है के काल में विकसित हुआ गंधार कला यूनानी प्रभाव का ही जो है परिणाम है। भारत के पश्चिमोत्तर भागों में यूनानी भाषा के प्रचलित होने का प्रमाण अशोक के यूनानी भाषा के लेखों से मिलता है। तो आज आपने जाना कि कैसे जो है सबसे पहले भारत पर ईरानी और पारसी का आक्रमण हुए, उसके बाद जो है यूनानियों का आक्रमण हुआ और यूनानियों या ईरानी आक्रमण सभी से जो है भारत ने कुछ जो है ग्रहण किया है और व्यापारिक संबंध भी स्थापित किए, तो विदेशियों के साथ भी संबंध स्थापित हुए। तो आइए अब नेक्स्ट पॉइंट जो है कि मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में जानते हैं। तो मगध राज्य का उत्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर के लिए। सबसे पहली बात जो है कि मगध जो कि बिहार में स्थित है और मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। ये बृहद्रथ वही है जिनके पुत्र जरासंध हुआ करते थे, ठीक है। और इसकी राजधानी जो है गिरिब्रज, यानी कि जो वर्तमान में राजगीर नाम है उस समय राजगिरी भी नाम था, तो गिरिब्रज उसके बाद राजगिरी पड़ा, उसके बाद जो है राजगीर के नाम से जाना जाता जो कि नालंदा में है। अब देखिए जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। ये जरासंध भगवान कृष्ण के समकालीन है, ठीक है। और इनसे उनसे भी जो है इनका युद्ध हुआ था, भीम द्वारा ये परास्त किए गए थे। बहुत बहुत पराक्रमी थे और सबसे पहले जरासंध ने ही जो है सभी राज्यों को, मतलब जो छोटे छोटे जनपद थे, क्षेत्र थे, उन सबको जो एक छत्र के नीचे लाने का काम जरासंध ने ही किया था। अब देखिए हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। सबसे पहले सबसे बड़े रूप में अगर देखा जाए तो बिंबिसार का नाम आता है जरासंध के बाद। तो देखिए मगध की गद्दी पर ये 544 ईस्वी पूर्व में, ये 544 ईस्वी पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार है, में गद्दी पर बैठे थे। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी जो बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो इसके बारे में कुछ और डिटेल में हम लोग जानते हैं। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन जिसका नाम महाकौशला था से, इसके अलावा वैशाली के चेटक के पुत्री जिनका नाम चलना था, फिर मध्य देश जो कि आधुनिक पंजाब का क्षेत्र है की राजकुमारी क्षेमा से जो है इन्होंने शादी किया और अपना जो है राज्य विस्तार किया। और ऐसा करने के पीछे कारण था कि इन राज्यों या क्षेत्रों के जो है राजा जो है इनके साथ हो गए थे, जिससे जो है इनका क्षमता जो है शक्ति जो है बढ़ गई थी। बिंबिसार की हत्या जो है उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईस्वी पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। दोस्तों देखिए अजातशत्रु की हत्या जो है उसके पुत्र उदयन ने किया और जो कि 461 ईस्वी पूर्व में ये हत्या हुआ था और वह मगध की गद्दी पर बैठा था। उदयन जो है पाटलिपुत्र ग्राम की स्थापना इसी ने किया था, जिसके जो कि बाद में जो है पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया, यही पाटलिग्राम। देखिए नागदशक को उसके आमत्य शिशु नाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ कर जो है मगध पर शिशु नाग वंश की स्थापना की। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको रोक कर पूरा डिटेल में बताना चाहूँगी। देखिए मगध राज्य का उत्कर्ष जो है उसमें सबसे पहले जो हर्यंक वंश आया है, हर्यंक वंश में बिंबिसार, उसके बाद जो है अजातशत्रु, उदयन ये थे, ठीक है। उसके बाद शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग वंश में ठीक है, शिशुनाग वंश में मुख्य जो शासक थे वे कालाशोक थे, जिसको काकवर्ण भी कहा गया। उसके बाद नंद वंश का आया, नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश का जो है समय जो है मगध सम्राट के उत्कर्ष का समय है। पॉइंट वाला है दोस्तों कि नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। देखिए जिसका मैंने बात किया नंद वंश के बारे में, जिसका शासनकाल 344 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व था। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद था और घनानंद के बारे में कहा था कि सबसे बड़ी सेना उस समय इसी के पास थी, इसी के भय से जो है जो सिकंदर के सैनिक थे उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया था, ठीक है। चंद्रगुप्त ने मौर्य
चंद्रगुप्त मौर्य ने नए वंश मौर्य वंश की स्थापना किया। देखिए सिकंदर वगैरह कुछ खास महत्वपूर्ण टॉप पॉइंट जान लीजिए जो कि पूछा जाता है कि इनका जन्म जो है 556 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप था, सिकंदर अरस्तु का शिष्य था और भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी पूर्व में इसने प्रारंभ किया था। इसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर थे, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग वापस जो है मगध के उत्कर्ष के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट, जैसे कि अजातशत्रु के बारे में हमेशा पूछा जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अजातशत्रु ने लड़ाइयों में जो है रथ कसलो एवं महाशिलाकंटक नाम के हथियार का प्रयोग किया था, ठीक है। और इसने अपनी राजधानी राजगृह की सुरक्षा हेतु एक मजबूत दुर्ग का जो है निर्माण करवाया था। इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था और परिनिर्वाण सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने बुद्ध के कुछ अवशेषों को लेकर राजगृह में एक स्तूप का भी निर्माण करवाया था। इसके शासनकाल में राजगृह में जो है सप्तपर्णी गुफा में 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था, जहां पर बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक एवं विनय पिटक में विभाजित किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बताया। अब देखिए उदयन के बारे में आप जान लीजिए। देखिए उदयन ने जो है उदयन जिसके बारे में मैंने आप पीछे चर्चा किया है, तो उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक राजधानी की स्थापना किया था। और इसके बाद उदयन के बाद जो अनिरुद्ध मुंड और नागदशक ने मिलकर 412 ईस्वी तक शासन किया था। देखिए ये नागदशक वही नागदशक है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। 412 ईस्वी तक मगध पर इसने शासन किया है जो कि हिरक वंश से है। अब देखिए इसके बाद शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश 412 से लेकर 345 ईस्वी पूर्व तक इसने मगध पर मगध साम्राज्य पर जो है शासन किया है और मगध साम्राज्य में अवंती एवं वत्स राज को जीत कर जो है मिला लिया था, जिससे मगध साम्राज्य का विस्तार उत्तरी भारत में मालवा से बंगाल तक हो गया था। इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था, हालांकि बाद में जो है वापस पाटलिपुत्र को बना लिया गया है। देखिए इसके सबसे प्रतापी शासक जो थे कालाशोक, जिसका समय 394 ईस्वी पूर्व से 366 ईस्वी पूर्व तक था, ठीक है। अब देखिए कालाशोक ने ही जो है वैशाली के स्थान में पुनः जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। सिहली महाकाव्य के अनुसार बुद्ध के महापरिनिर्वाण के करीब 100 वर्ष बाद कालाशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष में, ठीक है, 10वें वर्ष में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। और इस बौद्ध संगीति जो कि समय था 383 ईस्वी पूर्व में, और इसमें जो बौद्ध संघ स्थापित एवं महासंघी के रूप में बट गया। तो दोस्तों ये कुछ खास और इम्पोर्टेंट था। इसके बाद देखिए नंद वंश के बारे में जैसे मैंने बताया था आपको, तो इसके संस्थापक जैसा कि मैंने बताया महापद्म नंद थे जो कि एक शूद्र शासक थे। पुराणों में इसके लिए जो है एक छत्र पृथ्वी का राजा यानी कहा गया है। इसके अलावा भी जो है भार्गव परशुराम के रूप में के समान जो है सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला, इसके अलावा एकराट आदि की जो उपाधियां दी गई। इसे उग्रसेन भी उग्रसेन या भी कहा गया। देखिए महापद्म नंद के 8 पुत्रों में अंतिम पुत्र घनानंद जो थे, ये घनानंद सिकंदर के समकालीन थे, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों ये थे कुछ खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए, ताकि आपको समझ में आए कि भारत पर किसने आक्रमण किया और कैसे जो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। इस वीडियो में ही तक दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं क्योंकि बहुत जरूरी है, और सभी से आग्रह है कि शेयर कीजिए। ये इसलिए दोस्तों कि अगर आप इतिहास की तैयारी करना चाहते हैं या बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे एसएससी हो या कोई भी, जहाँ इतिहास के प्रश्न आते हैं, तो आप इस सीरीज में शामिल हो जाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले और उसके कारण जो है आपको सफलता मिले। क्योंकि जितने इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होंगे वो सभी जो है कहीं ना कहीं जो है स्पेशल होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।